हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अन्नु और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि अपनी बेटियों की शादी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। उनका शादी का बजट इतना नहीं होता है कि वो अपनी बेटियों को उनकी शादी पर उनकी मनपसंद का 15-20 हज़ार तक का महंगा लहंगा दिलवा पाएँ। लेकिन दोस्तों, हर लड़के और लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी पर सबसे सुंदर दिखे, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी हो, सबसे अलग दिखे। लेकिन कुछ लड़कियों का ये सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे शख्स हैं जो कि उनका ये सपना पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वो शख्स। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि होगा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या पैसे वाला आदमी जो कि दे सकता है किसी की मदद करने के लिए उसे फ्री में लहंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हैं केरल के थूटा गाँव के रहने वाले नासिर थूटा, जो कि एक ड्रेस बैंक चलाते हैं। ये अपने ड्रेस बैंक में लहंगा चोली और साड़ियाँ रखते हैं। दोस्तों, ये ड्रेस बैंक वो 10 साल से चला रहे हैं। 10 साल पहले वो सऊदी अरब में रहते थे और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि अपनी बेटियों की शादी में उनके लहंगों को लेकर काफ़ी परेशान है। वो उन्हें उनके मनपसंद के महंगे लहंगे नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए नासिर थूटा ने सोचा इन लड़कियों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो उन्हें अपनी मनपसंद का लहंगा भी पहन पाएँ शादी में और उन्हें उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। दोस्तों, नासिर थूटा सिर्फ एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर है जो कि महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी की मदद करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए किसी इंसान का पैसे वाला, लखपति, करोड़पति होना ज़रूरी नहीं। उसके लिए इस मन में सेवा की भावना होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते नासिर थूटा ने एक ड्रेस बैंक स्टार्ट करने का फैसला लिया और उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की, रिक्वेस्ट की कि आप जो लहंगे होते हैं शादी के और आपकी महंगी ड्रेसेस है जिन्हें आप सिर्फ अपने अलमारियों में सहज कर रखे हुए हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, उसे आप किसी की मदद करने के लिए दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं उन्हें। और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर रखे जिससे कि लोग उन्हें कॉन्टैक्ट करके अगर अपने ड्रेसेस देना चाहें तो उन्हें भिजवा सकें। एक दिन का 5-10 आदमी आएगा, आज का 3-4 आदमी आएगा। मेरे पास साड़ी है, चोली है, 3 आइटम्स है। मेरा अभी 355 चांदी का मैं दिया। तो दोस्तों, नासिर थूटा को सोशल मीडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोग उनसे कांटेक्ट करने लगे और अपने ड्रेसेस भिजवाने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लेडीज़ अपने ड्रेसेस देने की इच्छुक होती हैं वो उनसे कांटेक्ट करती हैं और नासिर थूटा खुद जाकर वहाँ से ड्रेसेस लेके आते हैं, उन्हें ड्राई क्लीन करवाते हैं और अपनी शॉप पर रख लेते हैं। दोस्तों, नासिर थूटा वीक में 2 दिन शॉप खोलते हैं, मंगलवार और शनिवार को, जिसमें कि जो भी लड़कियाँ ड्रेसेस लेना चाहती हैं वो उन्हें ड्रेसेस अवेलेबल करवाते हैं। तो दोस्तों, और वो अपनी 2 दुकानों का बिल भी पे करते हैं, उनका जो किराया होता है रेंट भी देते हैं 1200 रुपये, और वो ये सब अपनी इतनी छोटी सी इनकम में से करते हैं। तो दोस्तों, अपनी टैक्सी ड्राइवर वाली जॉब को 2 दिन के लिए छोड़कर वीक में 2 दिन दुकान पर बैठना किसी की भलाई करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी सोच है। और दोस्तों, नासिर थूटा की इस सोच को मेरा दिल से सैल्यूट है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है नासिर थूटा के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।